सो आज स्टार्ट करते हैं क्या, इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ इंस्टाग्राम क्या होता है। हालांकि इंस्टाग्राम के बारे में आप लोग ज्यादा जानते होंगे, यूज करते हो, तो इंस्टाग्राम क्या होता है, व्हाट इज इंस्टाग्राम, बताइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन शेयर आर पिक्चर्स, वीडियोज, आइडियाज एंड ओके, ऑल्सो इंस्टाग्राम ऑल्सो यूज फॉर स्मॉल बिजनेसेस ऑल्सो वेयर वी कैन सेल और अट्रैक्ट कस्टमर फॉर आर ऑनलाइन बिजनेसेस. यस, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट यदि हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए जिसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई लेना देना नहीं है, बट थोड़ा बहुत यदि इंफॉर्मेशन के लिए, तो इंस्टाग्राम जो था वो फोटो शेयरिंग ऐप के नाम से लॉन्च किया गया था 2010 में एज अ टाइपिंग फ्री बाइट ऐप, जिसमें आपको टाइप करने की जरूरत नहीं थी। आपने इंस्टाग्राम देखा होगा, तो आप डबल टिक करते हो, टाइप करते हो, तो क्या होता है, लाइक हो जाता है। ठीक है, आप स्क्रॉल करते हो स्टोरी में भी, लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल करते हो, नॉर्मल में राइट अब क्या करते हो, अप एंड डाउन स्क्रॉल करते हो, तो वहां पे टाइप करने का ज्यादा ऑप्शन नहीं था। लेकिन यदि हम बात करें इंस्टाग्राम की, कि कोई भी बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम में क्यों मार्केटिंग करनी चाहिए, सारे प्लेटफॉर्म में तो हमने देखा, बट स्पेसिफिक इंस्टाग्राम की बात करें तो वाई इंस्टाग्राम, तो कुछ फैक्ट हमारे सामने यहाँ पे दिखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि सबसे ज्यादा ऑडियंस किस में है, फेसबुक में है, उसके बाद यूट्यूब में, और उसके बाद इंस्टाग्राम में, थर्ड नंबर पे इंस्टाग्राम आता है। ठीक है, सोशल मीडिया की बात करें तो ऑन एन एवरेज, ये भी थोड़ा पुराना डेटा है, बट ऑन एन एवरेज जो पुराना डेटा बोलता है उसके हिसाब से 800 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर है, जो रेगुलर बेसिस पे एक्टिवली इंस्टाग्राम यूज करते हैं। अकाउंट ज्यादा होगा, बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, नो डाउट, बट जो एक्टिव की बात कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे जो यूज करते हैं, तो एक्टिव इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर कितने हैं, 800 मिलियन यूजर है, जिसमें से 90 मिलियन पोस्ट क्या होते हैं, रेगुलर बेसिस पे इंस्टाग्राम पे होते हैं, मतलब रोज लोग क्या करते हैं, पोस्ट अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे 90 मिलियन, ये इसका स्पेसिफिक डेटा है। उसमें से भी देखा जाए तो 80% फॉलोइंग एज अ बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम, मतलब लगभग अकाउंट ऐसे हैं जिसमें से लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में उसको यूज कर रहे हैं। देन 300 मिलियन प्लस अकाउंट यूज इंस्टाग्राम स्टोरी एवरीडे। अब आप एक चीज देखो, नंबर ऑफ पोस्ट कितने लोग डाल रहे हैं, 90 मिलियन, लेकिन स्टोरी कितने लोग डाल रहे हैं, 300 मिलियन। इसका मतलब क्या है कि स्टोरी बहुत ज्यादा लोग देखते हैं कंपेयर टू पोस्ट, और इसीलिए बोला जाता है कि इंस्टाग्राम पे आप रेगुलर बेसिस पे पोस्ट डाल रहे हैं वो अपनी जगह है, बट इन केस नहीं भी डाल पा रहे हो तो कोशिश करो कि आप पोस्ट के बदले स्टोरी एटलीस्ट शेयर करो, मतलब अपलोड करो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, क्योंकि यूजर कम टाइम के लिए इंस्टाग्राम पे आता है तो या तो रील्स में जाएगा या स्टोरी में जाके टैप करेगा और चेक करेगा क्या क्या डेटा हुआ, लेकिन वो नॉर्मल पोस्ट में स्क्रॉल करेगा कम टाइम पे, चांस थोड़ा कम है। इसीलिए आपको यहाँ पे डेटा में भी दिख रहा है कि इंस्टाग्राम स्टोरी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देन 40 बिलियन नंबर ऑफ फोटोज क्या होते हैं पर डे, एक दिन में शेयर होते हैं इंस्टाग्राम पे। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें सेम कंटेंट एक ने डाला, उसी को किसी और ने पोस्ट किया, या दो तीन अकाउंट में सेम कंटेंट दिखता है, तो कहीं ना कहीं ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर कोई एक होता है, बट उसको मल्टीपल लोग शेयर करते हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन वैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा कंटेंट वायरल होने के या शेयर होने के चांसेस है। तो यदि हमको दिख रहा है कि लाइव डेटा, कि इतना सारा डेटा है या इतना सारा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें लोग यूज कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे पोस्ट आ रहा है, और स्पेसिफिक डेटा हमारे पास है, तो हम यदि हमारे बिजनेस का प्रमोशन इंस्टाग्राम पे यदि करते हैं, तब जब हमारा टारगेट ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है, तब हम यहाँ से बिजनेस ले सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम क्यों करना चाहिए, तो आप लोग बता सकते हो, कुछ डेटा तो हमने समझ में आ गया, स्पेसिफिक इंस्टाग्राम मार्केटिंग से क्या फायदा हो सकता है, बताइए, स्पेसिफिक इंस्टाग्राम से क्या बेनिफिट हो सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है सर यहाँ पे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंपैरिजनली. ओके,
तो ज्यादा सबसे पहला मार्केट है। चीज, जो सबसे पहला चीज जो एंगेजमेंट मतलब जो इंस्टाग्राम का बेनिफिट है वो है हायर एंगेजमेंट विद विजुअल कंटेंट। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें से सबसे ज्यादा एंगेजमेंट विजुअल कंटेंट में, विजुअल मतलब आपका इमेज हो गया, वीडियो हो गया, इसमें यदि कुछ एंगेजमेंट मिलता है तो वो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म। फेसबुक यूट्यूब में भी जो कंटेंट है वो भी विजुअल में कवर होता है, बट कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट का चांसेस थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद एनहेंस योर ब्रांडिंग। यदि आपको अपने बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम को यूज करके क्या कर सकते हो, अपनी एक ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हो या अपना एक नेम फेम बना सकते हो इंस्टाग्राम पे, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। इसके बाद इट्स मार्केटर फ्रेंडली, मतलब मार्केटिंग के लिए ज्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑप्शंस आपको वैसे मिलते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए और मेक मनी थ्रू स्पॉन्सरशिप। यदि आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, आप अच्छे अच्छे कंटेंट डालते हो, क्रिएटिव माइंड वाले हो, तो आप उसका बेनिफिट यूज करके क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेटअप कैसा होना चाहिए। तो एज अ पर्सनल अकाउंट आप लोग जो करते हो तो अपनी जगह है, बट यदि हम बिजनेस की बात करें तो आप लोग के हिसाब से एक नए बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम का प्रोफाइल कैसे सेटअप होना चाहिए, क्या क्या बेसिक चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बताइए। बोलिए, जो भी आप लोग को समझ में आता है, जितना भी नॉलेज है उसके हिसाब से क्या बेसिक चीजों का ध्यान हमें इंस्टाग्राम पे रखना चाहिए। सो लोगो होना चाहिए, और उसके प्रोफाइल आईडी पे उसका बायो होना चाहिए। ओके, तो बेसिक चीजें या जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हम देखें एक एक करके। तो सबसे पहला चीज, चूजिंग द राइट इंस्टाग्राम हैंडल या यूजर नेम। जैसे कि हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, यदि आप लोगों को याद होगा तो क्या कोशिश करो कि आपका सोशल मीडिया का जो यूजर नेम है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे यूट्यूब हो, कोई भी प्रोफाइल हो, उसका जो यूजर नेम है वो सेम होना चाहिए सारे प्लेटफॉर्म पे, जिससे आपको याद रखने में और किसी को बताने में या विजिटिंग कार्ड में यूज करना है, डिजिटल विजिटिंग कार्ड में यूज करना है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि सेम नाम है। ठीक है, तो कोशिश करो कि आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है या यूजर नेम, वो आपके पहले चीज तो बिजनेस के नाम से होना चाहिए, जिससे यूनिक होने का चांसेस बढ़ जाएगा। बट इनकेस यदि प्रेजेंस है तो ऐसा फ्रेम करो जिससे वो यूनिक हो जाए और सारे प्लेटफॉर्म पे वो इजीली अवेलेबल हो जाए। हालांकि आप उसको जब चाहो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसा रखो जिसमें सब में सेम हो और प्रॉब्लम ना हो, पहली चीज। दूसरा चीज जो आपको ध्यान रखना है, ऑप्टिमाइज योर इंस्टाग्राम बायो। ठीक है, 150 कैरेक्टर का आपको बायो लिखने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने बिजनेस के बारे में चीजें मेंशन करते हो, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है। कोशिश करो कि आप कम सेंटेंस में, मतलब इमोजी यूज करके या कम वर्ड्स में, बिकॉज 150 कैरेक्टर आपके पास है, तो आप कम वर्ड्स में या कम सेंटेंस में अपने प्रोडक्ट और सर्विस को या जो आप बताना चाहते हो उसको हाईलाइट करो। खाली टेक्स्ट टेक्स्ट लिखोगे तो मजा नहीं आएगा, अट्रैक्टिव बनाना है तो इमोजीज यूज कर सकते हो, आप नॉर्मल टेक्स्ट यूज कर सकते हो, ताकि आपका कैरेक्टर बच जाए और आप जो बोलना चाहते हो वो भी मैसेज चला जाए, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, परफेक्ट योर इंस्टाग्राम डिस्प्ले पिक्चर, मतलब जो भी आपका प्रोफाइल पिक है उसको मेंटेन करना है। तो प्रोफाइल पिक में क्या होगा, पर्सनल में तो आपको जो डालना है डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो आपको अपने कंपनी का लोगो डालना है जिसमें आपका लोगो कटे। कई बार क्या होता है कि लोगो बड़ा होता है, मतलब सपोज चौड़ा है, हाइट कम है, विड्थ ज्यादा है, तो हम ऐसा डालते हैं कि जब वो ऑटोमेटिक उसको सर्कल करता है तो स्टार्टिंग और एंड का कुछ कुछ पार्ट कट जाता है। तो आप ऐसा सेट करो कि वो लोगो क्लियर दिखे, कोई भी हिस्सा कटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी है। ठीक है,
नाउ चूजिंग द सॉरी राइट right... जी बोलिए. ठीक, चूजिंग द राइट हैशटैग, इसका मतलब क्या है कि आपका जो बिजनेस है या जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो अपने बिजनेस के लिए, या तो आपके बिजनेस का कोई टैगलाइन होगा, कोई स्लोगन होगा, कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने बिजनेस की ब्रांड आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, उसको एज अ हैशटैग आप यूज करो, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई यूजर वो हैशटैग डाले तो आपके सारे कंटेंट एक जगह आ जाए. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि राइट हैशटैग, या तो आप चाहो तो अपने बिजनेस का नाम यूज कर सकते हो, या तो कोई स्लोगन है वो यूज कर सकते हो, कोई टैगलाइन है वो यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है. ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्लान कर सकते हो. ठीक, अब ये तो बेसिक सेटअप है, वन टाइम आपको बनाना है. बिजनेस अकाउंट है तो कोशिश करो कि आप अकाउंट टाइप को बिजनेस में रखो. हाँ, एक लॉस ये है बिजनेस, जब आप कोई भी चीज क्रिएट करते हो तो आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे पेज नाम की कोई चीज नहीं होती, पर्सनल का भी अकाउंट होता है और बिजनेस का भी अकाउंट होता है. तो जब आप बनाते हो तो नॉर्मल वो एक अकाउंट होता है, लेकिन आप जब सेटिंग में जाओगे तो आपने देखा होगा दो ऑप्शन आता है, क्रिएटर या बिजनेस, दो ऑप्शन आता है. क्रिएटर मतलब आप इन्फ्लुएंसर हो, पर्सनल लेवल पे जा रहे हो तो आप क्रिएटर अकाउंट पे जा सकते हो, तो उसके हिसाब से कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं. लेकिन वही चीज बिजनेस अकाउंट में जाओगे तो उसके हिसाब से फीचर्स आपको मिलता है. लेकिन जैसे ही आप अपने अकाउंट को बिजनेस में कन्वर्ट करते हो, तो आपका जब स्टोरी में कोई कंटेंट डालते हो तो वहां पे जो म्यूजिक आता है ना डालने का, वो म्यूजिक इंडियन म्यूजिक या बॉलीवुड म्यूजिक सपोर्ट नहीं करता. आप चेक करना, वो एक उसका ड्रॉबैक है बोलो, या पता नहीं उसने क्यों ऐसा रखा हुआ है. बिजनेस अकाउंट में कोई भी बॉलीवुड मूवी का सॉन्ग वो सपोर्ट नहीं करता, ऐसे सॉन्ग होंगे जो आपके काम के नहीं. तो या तो आप कोई कंटेंट अपलोड करना चाह रहे हो तो पहले से आप अपना वीडियो ऐसा बनाओ जिसमें ऑडियो आपका पहले से उसमें रहे और वो अपलोड करो, या आप सोच रहे हो कि मैंने कोई इमेज डाली और उसमें म्यूजिक आप स्टोरी या इंस्टाग्राम का इनबिल्ट प्लेटफॉर्म यूज करके डालोगे तो वहां पे आपको फीचर्स नहीं आएगा. तो वो थोड़ा सा सोच तो समझ के आप कर सकते हो. अब जो बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है वो है इंस्टाग्राम कंटेंट स्ट्रेटेजी. फेसबुक में आपको ये नहीं बोला गया कि कैसा कंटेंट डालना है, क्या डालना है, टाइप्स ऑफ पोस्ट आपको बताया गया, वो आपको यहाँ पे भी मेंटेन करना है इंस्टाग्राम पे भी. बट कंटेंट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज, विदाउट द राइट कंटेंट स्ट्रेटजी और इंस्टाग्राम मार्केटिंग विल फेल. बिना सोचे समझे कुछ भी हम कंटेंट डालेंगे तो इंस्टाग्राम पे जो एंगेजमेंट या जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो शायद फुलफिल ना हो. तो यहाँ पे राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि आप एक प्रॉपर सोशल मीडिया कैलेंडर प्लान करो. और मैक्सिमम लोग, या मैं बोलूँ प्रोफेशनल कंपनीज क्या करती है, इंस्टाग्राम में एक टर्म यूज होता है ग्रिड, जिसको हम बोलते हैं डिजाइन, आपके प्रोफाइल का लुक एंड फील वो डिसाइड करती है और उसके हिसाब से कंटेंट क्रिएट करती है. ठीक है, अब ये ग्रिड क्या होता है, दिखाते हैं आप लोगों को. ठीक ना, ये कल्याण ज्वेलर्स का प्रोफाइल है. मोबाइल में देखोगे तो बीच में जो व्हाइट हिस्सा दिख रहा है ये उतना नहीं दिखेगा. ठीक है, डेस्कटॉप पे करके हल्का सा आपको दिख रहा होगा. अब एक चीज देखो, जो भी कंटेंट यहाँ पे डला होगा, क्या डला है, कैसा डला है, वो अपनी जगह है. आप इस जब प्रोफाइल को विजिट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड या एक पोस्टर आपको कंप्लीट दिख रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है इधर का मतलब इस इमेज का आधा कंटेंट इसमें है. ठीक है, ये एक इमेज, इसका आधा कंटेंट ऊपर है, ये मतलब एक कंप्लीट पोस्टर जैसा दिख रहा है. दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, यही चीज नीचे आओगे तो ये ग्रिड फॉलो हुई है. ग्रिड मतलब जैसे एक डिजाइन, कि एक उनका जो भी टेक्स्ट पार्ट है, फिर इमेज, फिर वो टेक्स्ट पार्ट इमेज, ये अल्टरनेटिव दिख रहा है. ये 6 का इन्होंने 9 का बनाया है, इधर थर्ड में रखा हुआ है और इधर लास्ट में रखा हुआ है, इनका ये कंप्लीट, ये मतलब अल्टरनेटिव ये यूज कर रहे हैं. लेकिन क्या दिख रहा है, इसका हल्का सा हिस्सा ऊपर में है, सेम इस इमेज का हल्का हिस्सा ऊपर में है, इसका हल्का हिस्सा ऊपर में है. चाहे वो इमेज हो या वीडियो हो, जब आप क्लिक करोगे तो वीडियो का लेंथ कितना भी हो, बड़ा हो जैसा भी हो, लेकिन जो थंबनेल है वो थंबनेल प्रॉपर
कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये जो डिजाइन है लुक एंड फील, जब कोई यूजर आपका प्रोफाइल विजिट करेगा तो देख के क्लियर समझ में आएगा कि इसको कोई मैनेज कर रहा है। जस्ट ये ना नीचे आ रहे हो तो आपको दिख रहा है ये सारा चीज इन्होंने जैसा भी फोटो शूट किया होगा या जो भी डाला होगा एक कंप्लीट आपको दिख रहा है, देख रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड, ठीक है। तो ये आपको मैनेज करना है। अब ये कब होगा, क्या कंटेंट डालने वाले हो, इंफॉर्मेशनल पोस्ट है, एंगेजमेंट पोस्ट है, वो बहुत दूर की बात है। पहले फाइनल होता है बैकग्राउंड, ठीक है, कंटेंट। अब उसके बाद आपका मंथली कैलेंडर बनता है। जब मंथली कैलेंडर बनता है तो पता चलता है कि कब कौन से डेट पे क्या कंटेंट जाने वाला है। तो उसका जो कंटेंट है उसको आप फ्रेम करते हो कि यदि अच्छा ये कंटेंट मेरे को डालना है या इस प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है तो कहाँ पे आएगा, कैसा आएगा, और वो जो कंटेंट आप बना रहे हो मतलब जो डिजाइन बना रहे हो ग्रेड की, वो कितने की बनेगी, कितने मतलब जिसके यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो डिजाइन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो में खत्म हो गया, मतलब 8 × 3 24 पोस्ट में ये वाला डिजाइन खत्म कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे दूसरा डिजाइन आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 या 21 21 पोस्ट में ये डिजाइन को कंप्लीट किया गया है। तो आपको ये देखना है कि आप जो भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो महीने में कितने पोस्ट का प्रॉमिस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, 1 महीने का डिजाइन बनाना है, 2 महीने का बनाना है, कि क्या करना है, ये आपके यहाँ पे, ठीक है। बट जब तक आपका ये फाइनल नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज बनाओगे कैसे, मतलब डालोगे कैसे, ठीक है। इसीलिए आप जो कंटेंट डालते हो और कोई पर्सनल लेवल पे अपना प्रोफाइल मैनेज करता है तो ये डिफरेंस ज्यादातर होता है प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर और एक नॉर्मल जो सोशल मीडिया प्रोफाइल मैनेज कर रहा है उसमें। क्योंकि प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर इंस्टाग्राम में स्पेशली ग्रिड को फॉलो करता है। अब कंपनी टू कंपनी भी वेरी करेगा, ठीक है, तो ग्रिड फॉलो किया जाता है, कंटेंट वैसा बनाया जाता है और इंस्टाग्राम में ज्यादातर रील पे फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे जो बातें बोली जा रही है, क्या कौन सी बात है कि आपका राइट इंस्टाग्राम मार्केटिंग मतलब आपका जो मार्केटिंग है या जो भी स्ट्रेटेजी है वो पहले से प्लान होना चाहिए। विदाउट स्ट्रेटेजी आप जाओगे तो उतना इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। दूसरा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी शुड नॉट बी टेकन लाइटली, कंसिस्टेंसी शुड नॉट बी टेकन लाइटली का मतलब क्या है, आप रेगुलर बेसिस पे क्या करो, आप कंटेंट डालो। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन डाला, 2 दिन डाला, उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद क्रिएट हाई क्वालिटी इमेजेस, जिसका मतलब क्या है कि इंस्टाग्राम पे आपको ही पता है कि इमेज और वीडियो कंटेंट ज्यादा जाता है, तो इमेज और वीडियो कंटेंट जब जाता है तो उसकी क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज करोगे। जैसे सपोज आपने ब्लर इमेज डाल दी या कोई भी रील आपने बनाया वो रिकॉर्ड किया हुआ है बट वो सेक हो रहा है, हिल रहा है, या उसकी क्वालिटी नहीं है, कभी अचानक से जूम हो रहा है या अचानक से ब्लर हो रहा है, अब जिनको नहीं आता तो फिर वो प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो चाहे वो इमेज हो या वीडियो हो उसकी क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा शेड्यूल योर इमेज एट द राइट, मतलब पहले से शेड्यूल हो जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट एक दो क्लास से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, वो आपको फ्लो में समझ में आ रहा होगा पहले और अभी में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी रीजन से अब मेरे को लग रहा है कि यार एक दो दिन क्लास कंटिन्यू ना करने के बदले मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ ताकि तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। तो क्लासेस के लिए तो चलो ऑप्शन है, मैं नहीं तो कोई और फैकल्टी कंटिन्यू कर लेगा, लेकिन ये चीज जब आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे और एज अ सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो, किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो गई और आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट रेडी करते हो, आपके कंपनी में या आपके अलावा वो काम कोई नहीं करता, अब आप अवेलेबल नहीं हो, 2 दिन आपने छुट्टी ली, तो क्या उस 2 दिन में सामने वाला क्लाइंट मतलब जिसका भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसके पेज में कोई कंटेंट जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, क्योंकि आप अवेलेबल नहीं, कॉन्सेप्ट कौन बताएगा, इमेज तो बनाने के लिए लोग है लेकिन अल्टरनेटिव ऑप्शन अभी नहीं है, तो तुरंत तुरंत में प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करो, कम से कम 1 वीक का या 10 दिन का कैलेंडर रेडी करके, कंटेंट रेडी करके शेड्यूल कर दो। आप अवेलेबल रहो ना रहो, लाइट रहे ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी दिन गायब भी रहोगे तो 2 दिन 4 दिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज कंटेंट शेड्यूल हो चुका है।
आप जब वापस आओगे तो आगे का फिर से कंटेंट बना के काम कर दो, ठीक है? तो हमको कंटेंट जो भी है वो बना के शेड्यूल कर देना है, ताकि कभी ऐसा ना हो कि यार कभी आप ऑफिस आने में लेट हो गए, कभी कुछ हो गया तो आपको सुबह 10 बजे डालना था, उसको 11 बज गया या कुछ और हो गया, तो ये प्रॉब्लम ना है। इसीलिए आपको क्या करना है, कंटेंट को शेड्यूल कर देना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ मेन चीज है जिसको फोकस करते हुए आपको, चाहे वो इंस्टाग्राम पोस्ट बनाओ या कोई भी चीज बनाओ, उसमें आपको वो चीज डालनी है ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? अब सबसे बड़ी चीज, जो भी पोस्ट आप बना के डालते हो उसकी रीच, अब इंस्टाग्राम में कैसा होता है, जैसा फेसबुक हमने बात किया था कि आपके जितने फॉलोवर है उन लोगों तक ऑर्गेनिक रीच नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने फॉलोवर है उन लोगों तक चांसेस है कि आपका पोस्ट ऑर्गेनिक रीच हो जाए, बिकॉज इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अलग, मतलब फेसबुक में जितना ऑर्गेनिक जाएगा उसका डबल से ट्रिपल आपको बेनिफिट इंस्टाग्राम में ऑर्गेनिक मिलेगा, लेकिन और भी ज्यादा लोगों तक जाना है, या आप चाहते हो कि आपके जितने फॉलोअर्स है उससे ज्यादा लोगों तक ऑर्गेनिक रीच हो, भले जो आपको फॉलो नहीं करते फिर भी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हैशटैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो हैशटैग होता है, हैशटैग क्या होता है, हैशटैग एस सच कुछ नहीं होता, इसे हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। हैशटैग काइंड ऑफ ए कीवर्ड होता है, जैसे आप गूगल में कोई कीवर्ड सर्च करते हो और उसके लिए यदि आपने अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है तो चांसेस है कि उस रिजल्ट में आपकी वेबसाइट रैंक पे है। वैसे यदि आपके पोस्ट में वो हैशटैग है, मतलब वो कीवर्ड है, जब भी वो हैशटैग कोई सर्च करेगा या वो टॉपिक सर्च करेगा तो चांसेस है कि उसके रिजल्ट में आपका भी कंटेंट डिस्प्ले हो, जिससे आपकी रीच और विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है? तो अभी आप लोग बताओ, कोई भी पोस्ट में, चाहे वो आप पर्सनल अकाउंट यूज कर रहे हो या आपके बिजनेस के लिए सपोज कोई काम कर रहा है, तो कैसे डिसाइड करते हो कि कोई भी पोस्ट में हैशटैग कौन सा डालना चाहिए? कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा हैशटैग यूज करना चाहिए किसी भी पोस्ट में? अरे बताइए, आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, तो कैसे डिसाइड करते हो कि आपने जो भी पोस्ट डाला उसमें हैशटैग क्या होना चाहिए? सर डिपेंड अपॉन द पोस्ट, डिपेंड अपॉन द पोस्ट। हाँ, पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बट कोई भी एक एग्जांपल लेके कि आपने सपोज कहीं ट्रेवल करने गए और आपने उसका फोटो डाला, तो आप क्या हैशटैग डालोगे? सर जब हम हैशटैग, फॉर एग्जांपल अगर ट्रैवल से रिलेटेड आप पूछ रहे हो, तो जब हम ट्रैवल सर्च करेंगे ना, जस्ट 2 3 वर्ड्स, वहाँ पे नंबर्स ऑफ रिकमेंडेशन आ जाती है। तो जो भी आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा एंड सबसे टॉप प्रायोरिटी, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हैशटैग रहती है, वो टॉप पे रहती है। यू कैन सेलेक्ट इट बाय लाइक दैट ओनली। ठीक है, और खाली उतने से हो जाएगा? सर और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, मेमोरीज, ट्रैवल, जो जो मुझे वहाँ का उस जगह के बारे में, लाइक वेयर वी वेंट, वहां का अगर हैशटैग बना हुआ है तो। ओके, ठीक है। तो अभी कोई भी बिजनेस के लिए भी हम काम कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट के लिए पोस्ट डाल रहे हैं, तो हैशटैग सेलेक्ट करने का कुछ ट्रिक होता है। ट्रिक मतलब कुछ स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं जिसको यूज करके आप इजीली हैशटैग सोच सकते हो। जैसे आपने बोला कि एक भी, जैसे कि आपने ट्रेवल हैशटैग डाला तो उससे रिलेटेड आपको रिकमेंडेशन आते हैं, ठीक है? मतलब आप वो डाल रहे हो, मतलब उससे रिलेटेड कौन कौन से हैशटैग है, और बाकी में नंबर्स बताता है कि इतने लोग यूज कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा लोगों ने हैशटैग यूज किया उसको आप डालोगे तो चांसेस है कि आपका भी रीच इंक्रीज हो, ठीक है? लेकिन कब, जब आप कुछ एक वर्ड डालते हो तब सजेस्ट करता है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मेरे बिजनेस के लिए, मेरे इस प्रोडक्ट के लिए क्या डालना है? तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि सबसे पहले चीज, आप लोकेशन स्पेसिफिक हैशटैग डाल सकते हो। ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जैसे कि आपने बोला ट्रेवल, ट्रेवल में लोकेशन स्पेसिफिक मैटर करता है। यदि आप गोवा घूमने गए हो तो हैशटैग गोवा डालोगे आ जाएगा, ठीक है? लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लास के लिए कर रहे हो तो हैशटैग आप पुणे डालोगे तो कोई सेंस है क्या? नहीं। लेकिन वहां पे आप क्या कर सकते हो, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे डाल सकते हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट का नाम विद लोकेशन, क्योंकि यदि कोई वैसा सर्च कर रहा है तो उसको वो ट्रैक करके लाए,
तो ये डिपेंड करेगा बिजनेस के ऊपर या आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि क्या लोकेशन वाला हैशटैग आपके बिजनेस के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, दूसरा लाइफस्टाइल स्पेसिफिक। लाइफस्टाइल स्पेसिफिक मतलब यदि आपका फैशन मतलब कपड़ों से रिलेटेड ब्रांड है या कोई बिजनेस है, तो आप देखो उस फील्ड में लाइफस्टाइल ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल क्या चल रहा है, कौन से टाइप के कपड़े ट्रेंड पे चल रहे हैं, या लाइफस्टाइल का कुछ स्पेसिफिक नाम है वो ट्रेंड पे चल रहा है, या आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी चीज को प्रमोट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप टी शर्ट सेल कर रहे हो, अब आपके पास स्पोर्ट्स वियर टी शर्ट है या आपके पास और भी टाइप के टी शर्ट्स है, कैजुअल टी शर्ट हो गए, तो वो जो हैशटैग है कैजुअल हो गया, स्पोर्ट्स वियर हो गया, या जो भी चीज है उसको आप एज अ लाइफ स्टाइल में कंसिडर करके यूज कर सकते हो। इसके अलावा ब्रांड स्पेसिफिक। अब ब्रांड स्पेसिफिक मतलब आपका जो बिजनेस का नाम है वो हो जाएगा आपका ब्रांड, उसको आप एज अ हैशटैग डाल सकते हो। ठीक है, अब आपने यदि फ्रेंचाइजी ली हुई है तो फ्रेंचाइजी का नाम आएगा, जैसे कि डोमिनोज हो गया, वो एक ब्रांड है, लेकिन डोमिनोज को जो चला रहा होगा, हर सिटी में डोमिनोज खुद ओन नहीं कर रहा है, अलग अलग फ्रेंचाइजी बांट दिया है, तो आप देखना बिल में अब स्पेसिफिक फ्रेंचाइजी ओनर का नाम या उसके शॉप का नाम आता है, लेकिन हाईलाइट क्या रहता है, डोमिनोज। तो लोग डोमिनोज को जानते हैं, उसको कौन चला रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, तो आप ब्रांड स्पेसिफिक डाल सकते हो। लेकिन आपका स्टार्टअप है, आपका कोई स्पेसिफिक अभी ब्रांड नहीं है, तो आप अपने बिजनेस का जो भी नाम है उसको एज अ हैशटैग डाल सकते हो, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो यूज कर सकते हो। देन प्रोडक्ट स्पेसिफिक, आपको यदि लोकेशन स्पेसिफिक या लाइफस्टाइल स्पेसिफिक नहीं समझ में आ रहा आपके प्रोडक्ट के लिए, तो आप डायरेक्ट बिजनेस का नाम एज हैशटैग यूज कर सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट का नाम, जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट है तो हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, या फिर आपका इवेंट से रिलेटेड है तो हैशटैग वेडिंग, आपका सर्विस है तो वेडिंग प्लानर हो गया, वेडिंग ऑर्गेनाइजर हो गया, या जो भी आपका होगा उसको आप एज हैशटैग यूज कर सकते हो। मतलब प्रोडक्ट का जो नाम है वो आप एज हैशटैग में डाल सकते हो। देन कम्युनिटी स्पेसिफिक, अब आपका वो प्रोडक्ट और सर्विस यदि कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करता है तो आप कम्युनिटी को एज हैशटैग में डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका मराठी स्टाइल की साड़ी है, तो वो सीधी सी बात है, वो कौन ज्यादा परचेस करेगा, मराठी लोग ज्यादा परचेस करेंगे, तो आप हैशटैग कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हो। सेम विथ चैलेंज और कॉन्टेस्ट, सपोज आपने कोई ऐसा पोस्ट बनाया है जिसमें आप कोई चैलेंज या कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो वो जो चैलेंज या कॉन्टेस्ट है, जो भी कॉन्टेस्ट होगा या चैलेंज होगा उसका जो, उसको आप एज हैशटैग डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आज कभी कभी चलता है टैग योर फ्रेंड्स वाला चलता है, या फिर अलग अलग टाइप के चैलेंज चलते हैं, तो आप वो जो भी चैलेंज है उसका नाम वहां पे डाल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट कोई ऑर्गेनाइज करे तो उसका नाम डाल सकते हैं। ठीक है, देन कैंपेन स्पेसिफिक। कैंपेन स्पेसिफिक मतलब कोई सोशल ऑब्जेक्टिव को लेके या जो भी आपका मोटो है उसको लेके यदि आप काम कर रहे हो तो वो हैशटैग बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी इलेक्शन आ रहा है तो अलग अलग पॉलिटिशियन लोगों का अलग अलग कैंपेन चलता है, ठीक है, अलग अलग सिटी में अलग अलग, लेकिन हैशटैग क्या चल रहा है, जैसे कि अभी बीजेपी के लिए बोले तो हैशटैग क्या चल रहा है, अब की बार मोदी सरकार या फिर से मोदी सरकार, जो भी है तो वो उनका हैशटैग है। ठीक है, तो आप वो चीज डाल सकते हो। तो जो भी आपके कैंपेन का नाम है उसको, या ऑब्जेक्ट जो है, जो जनरली हम बोलते हैं, उसको आप एज अ हैशटैग में डाल सकते हो। या फिर इवेंट स्पेसिफिक, कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो किसी थीम के ऊपर या कोई चीज के ऊपर, तो उसको आप एज अ हैशटैग प्लान कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी कंपनी है भले उसका प्रोडक्ट अलग है बट कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो ये जो हैशटैग है इवेंट वाला, ये किसमें काम आएगा, कोई सोशल पोस्ट आप डाल रहे हो उसमें काम आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने सोसाइटी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया, या फॉर एग्जाम्पल आप फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो वो भी एक काइंड ऑफ इवेंट है, तो आप उसको एज अ हैशटैग डाल सकते हो, जो भी टाइटल आपने यूज किया है वो। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, किस टॉपिक पे आपका कंटेंट है या फील्ड क्या है, उसको आप एज अ हैशटैग डाल सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, जरूरी नहीं कि सारे ऑप्शन आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए फिट बैठे, बट इतने सारे में से मैं बोलता हूँ 3 या 4 ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, और वो 3 4 ऑप्शन आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड सर्च करते हो तो आपको इतने सारे रिलेवेंट उससे कीवर्ड मिल जाएंगे, मतलब हैशटैग मिल जाएंगे, कि इजिली आप 5 से 10 हैशटैग अपने फील्ड से रिलेटेड जो रिलेवेंट है वो आप यूज कर सकते हो, जिससे स्पेसिफिक ऑडियंस तक आपको पहुंचना इजी हो जाएगा, क्योंकि रैंडम कुछ भी हैशटैग डाल देंगे तो रिलेवेंट ऑडियंस तक हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन जब हमको पता है कि ये हमारे फील्ड से रिलेटेड है और वो चीज हम डालेंगे तो हमारा चांसेस या नंबर ऑफ रीच जो होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है ऑर्गेनिकली, तो ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर है?
ओके okay. अब ये होने के बाद अभी अब एक बात बताओ, जो भी पोस्ट आप डालते हो किसमें, इंस्टाग्राम पे, वो पोस्ट किनको दिखता है? जो भी पोस्ट आप डालते हो वो पोस्ट किसको दिखता है? सिर्फ फॉलोअर्स को। यस, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको दिखेगा। अब मैं बोलता हूं आपके फॉर एग्जांपल 500 फॉलोअर है अभी, तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को दिखेगा? 500। आपने भी हैशटैग यूज किया तो हो सकता है 600 700 लोगों को दिखे, लेकिन क्या 700 लोगों से आपका काम होगा क्या? नहीं। तो आपको ऑर्गेनिकली ज्यादा लोगों तक रीच करना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतना ज्यादा ऑर्गेनिक रीच होने का चांसेस है, उतना ज्यादा एंगेजमेंट आने का चांसेस है, उतना ज्यादा बिजनेस आने का चांस। तो सबसे बड़ी चीज, आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो बिजनेस का है, फॉलोअर्स, जेन्युइन फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करें बताइए। जेन्युइन फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करें? क्योंकि जब फॉलोअर्स बढ़ेंगे तभी तो काम होगा। तो क्या क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं जिससे हम हमारे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं? सर, बोलो। जो न्यू बिजनेसेस हैं हमारे फील्ड में, हम उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आप उनको फॉलो करोगे तो क्या वो फॉलो बैक करेंगे? आपके कंप्यूटर हैं। बताओ मिनट। हेलो, हेलो
ओके ठीक है, तो हम काम करते हैं फॉलोअर्स के लिए। तो देखो दो टाइप की चीजें होती है, यदि हमको जेन्युइन फॉलोअर्स चाहिए तो टाइम टेकिंग है, मेहनत करना पड़ेगा, और यदि आपको दिखावा करना है, जैसे कि कभी कभी होता है कि जब हम काम करते हैं अचानक से आप स्टार्ट कर रहे हो, 2 4 फॉलोअर 10 फॉलोअर है, नया अकाउंट है, तो उसमें जल्दी से फॉलोअर नहीं बढ़ते, मतलब उनको भी लगता है कि नया नया है, तो थोड़ा सा ना देखा देखी में स्लो फॉलोअर्स बढ़ते हैं। ज्यादा ज्यादा आप अपने स्टार्टिंग में अपने नोन को बोल सकते हो कि फॉलो करें तो 50 100 फॉलोअर 150 200 फॉलोअर हो जाए, बट कहीं ना कहीं कभी कभी दिखावा करना पड़ता है, तो उस समय लोग क्या करते हैं, पेड फॉलोअर्स लेते हैं खाली दिखाने के लिए, जिसका कोई प्रेजेंस नहीं होता है, मतलब डमी अकाउंट होता है, एक्चुअल में उनका अकाउंट होता है बट वो डमी अकाउंट होता है, उससे आपको एंगेजमेंट या कुछ भी नहीं आने वाला, ना बिजनेस आने वाला, खाली दिखावे के लिए। तो वो वन टाइम आप दिखाने के लिए 1000 फॉलोअर 2000 फॉलोअर आप जहां भी जो भी पेड सर्विस देता है वहां से आप ले सकते हो, लेकिन आपको जेन्युइन फॉलोअर्स चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में बिजनेस आए, तो उसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट यदि मेंटेन कर रहे हो तो ही आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, नहीं तो जितना जल्दी फॉलोअर बढ़ रहे थे उतना जल्दी डिक्रीज भी हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, यदि हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो जो प्लान ले रहा है उसके हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है, तो यदि उसने महीने का 15 पोस्ट का प्लान लिया है कि महीने में आप 15 पोस्ट करोगे, मतलब एक दिन के गैप में एक पोस्ट आप डालोगे, तो यदि एक दिन के गैप में एक पोस्ट यदि आप डाल रहे हो तो हर एक दिन के गैप में एक पोस्ट आपके बिहाफ पे जाना चाहिए, कभी कभी किसी रीजन से ऊपर नीचे हुआ तो 2 दिन के गैप में एक पोस्ट चला गया, कोई दिक्कत नहीं बीच में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से आपने 5 दिन का गैप कर दिया 10 दिन का गैप कर दिया कोई भी रीजन से, तो इससे क्या होता है, जिस रीजन से यूजर आपके पेज को फॉलो करता है उस टाइप का कंटेंट यदि उसको नहीं मिलता है तो वो ना अनफॉलो कर देता है, इससे आपका लॉस होता है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है फॉलोअर मेंटेन करके रखने के लिए। दूसरा, शेयरेबल कंटेंट, ऐसा कंटेंट आप ज्यादा बनाओ जिसको लोग शेयर कर पाए, ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब लोग शेयर करेंगे तो जब उनको देख रहा है कि अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता है इस फील्ड का जिसको मैं इजिली शेयर कर सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, आपको फॉलो करेगा, क्यों, ताकि जब भी कोई नया कंटेंट आएगा तो उसको नोटिफिकेशन मिले, या फॉर एग्जाम्पल उसके वॉल पे दिखे, जिससे वो आपके प्रोफाइल में जाके चीजों को देख सकता है और उसको इजीली शेयर कर सकता है, तो शेयरेबल कंटेंट आपको थोड़ा ज्यादा डालना है। उसके बाद अपलोड योर वीडियो ऑन IGTV, अब तो ये रोल खत्म हो गया है, तो IGTV के बदले आपको क्या करना है, रील पे फोकस करना है, उसको मैं चेंज ही कर देता हूँ, हर बार बोल जाता हूँ मैं, ठीक है, आपको क्या यूज करना है, रील पे फोकस करना है, नॉर्मल पोस्ट के कंपेयर में आपके जो फॉलोअर बढ़ेंगे या जो रीच बढ़ती है वो रील वीडियो कंटेंट से ज्यादा होती है, कोशिश करो कि जो भी पोस्ट आप बना रहे हो चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो, एंगेजमेंट हो, या जो भी हो, 30 40 सेकेंड मैक्स 50 सेकेंड, या ज्यादा से ज्यादा बड़ा भी हो रहा है तो 1 मिनट से ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं होना चाहिए, यदि 60 मिनट से सबसे 60 सेकेंड से बड़ा वीडियो हुआ तो यूजर देखना पसंद नहीं करता आज की डेट पे, ठीक है, तो शॉर्ट एंड स्वीट जितना हो उतना अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा रील पे फोकस करो, वो भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस, यदि आपका बिजनेस फॉर एग्जाम्पल गिफ्टिंग आइडिया प्रोडक्ट है कि आप अलग अलग गिफ्ट सेल करते हो तो उसके लिए रील ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट रियल इस्टेट का या और कुछ है तो वहां पे इमेज कंटेंट भी डालोगे तो चल जाता है, लेकिन डिपेंड करेगा क्या बिजनेस है जिसमें कम और ज्यादा हो सकता है रील का कॉन्सेप्ट या वीडियो का कॉन्सेप्ट, लेकिन वीडियो तो दोनों केस में सारे बिजनेस के लिए लगेगा जिससे आपकी रीच बढ़ेगी, ठीक है, और फॉलोअर्स बढ़ने के चांस है। देन यूज स्टोरी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि आप पोस्ट एक बार नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बट स्टोरी जरूर शेयर करो, बिकॉज स्टोरी से लोग आपको अपडेट कर लेते हैं या अपने आप को अपडेट कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है, तो स्टोरी पे ज्यादा फोकस करना है। देन इंस्टाग्राम लाइव, ये एंगेजमेंट पोस्ट के काउंट आता है, यदि इंस्टाग्राम में लाइव आ रहा है तो एंगेजमेंट आने का चांसेस ज्यादा होता है क्योंकि लोग जुड़ते हैं, देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो इंस्टाग्राम में आप लाइव आ सकते हो, अब डिपेंड करता है कि आप लाइव आके कर क्या रहे हो, खाली लाइव आके टाइम पास नहीं कर रहे, पर्सनल लेवल पे जो करते हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बिजनेस प्रोफाइल यदि मैनेज कर रहे हो तो यदि आप लाइव आ रहे हो तो कभी कोई ऑफर है उसको आपने अनाउंस किया, या कोई नया प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो या लॉन्च करना चाहते हो तो आपने लाइव किया, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता आपके फील्ड से रिलेटेड तो आप लाइव आ सकते हो, उस फील्ड से रिलेटेड कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा सा नामी है
उसको आप बुला के लोगों के FAQs जो डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करना चाहते हो या कुछ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप बताओगे तो लोग इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन आप लाइव आके खाली अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे तो लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम लाइव आ सकते हो क्योंकि उससे भी बेनिफिट मिलता है। देन स्टार्ट फॉलोइंग, आपको क्या करना है, ये सब तो करना ही है, इसके साथ साथ आपको फॉलोइंग लोगों को फॉलो करना स्टार्ट करना है। अब लोगों को फॉलो करना कैसे स्टार्ट करोगे, आपका जो टारगेट ऑडियंस है, आप पहले ये निकालो कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। अब जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है उसको आप सर्च करोगे और अकाउंट में जाओगे तो उसकी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, आप एक एक अकाउंट को चेक करो, चेक करो मतलब देखो कि उसका फॉलोअर्स कितना है और उसको फॉलो करो। अब आपके जितने भी फॉलोअर्स है उसका मैक्सिमम 1/5, मतलब 500 फॉलोअर है तो 700-800 फॉलोअर तक जा सकते हो, 1000 फॉलोअर तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम विद 1000 फॉलोअर है तो 1500 फॉलोअर 1800 फॉलोअर तक आप जा सकते हो, मतलब अपने से मैक्सिमम डबल, उससे ज्यादा फॉलोअर्स वालों को फॉलो मत करो। क्यों? क्योंकि यदि आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं सामने वाले को नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, अब यदि नोटिफिकेशन जाएगा तो क्या होगा, जब नोटिफिकेशन जाएगा तो सामने वाला आपका प्रोफाइल चेक करता है कि ये कौन है। जब वो आपका प्रोफाइल चेक करेगा तो वहां पे देखेगा कि यार ये तो मेरा, मेरे को इस प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट फील्ड में है और उसके प्रोफाइल में अच्छी अच्छी चीजें डली हुई है, तो चांसेस है कि वो आपको फॉलो बैक करे, मतलब वो आपके प्रोफाइल को भी फॉलो करे। बाद में आप उसके प्रोफाइल को अनफॉलो कर दो कोई बात नहीं, क्योंकि जब आपको ब्रांड बनना है तो उस केस में आपके फॉलोअर्स ज्यादा होने चाहिए ना कि फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी है, इसलिए आप एक लेवल पे करोगे, उसके बाद आपका कंटेंट बोलेगा और बिना कुछ किए आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको लोगों को फॉलो करना है ताकि उसका 10% भी मैं बोलूं लोग रिटर्न आपको फॉलो बैक कर रहे हैं तो आपके फॉलोअर्स तो बढ़ेंगे। दूसरा, स्टार्ट कमेंटिंग, आपको अपने फील्ड से रिलेटेड जो आपका टारगेट ऑडियंस है उससे रिलेटेड चीजों को सर्च करो, मतलब कंटेंट सर्च करो और उस कंटेंट में जाके रैंडम कमेंट करो, मतलब उसके प्रोफाइल में जो भी कंटेंट डाला हुआ है उसमें जाके कमेंट करो, अच्छे कमेंट करो। जब आप कमेंट करोगे तो सामने वाला देखेगा यार इतना अच्छा कमेंट कौन किया हुआ है, और वो जब चेक करेगा आपका प्रोफाइल तो अगेन वही चीज कि उसका इंटरेस्ट आपके फील्ड में है, आपके प्रोडक्ट और सर्विस में है, चांसेस है कि वो आपको फॉलो करे। क्यों? क्योंकि आपका प्रोफाइल थोड़ा वेल मेंटेन है, ग्रिड आपने मेंटेन किया है, सारी चीजें अच्छे अच्छे कंटेंट जा रहे हैं, तो चांसेस है कि वो आपको फॉलो बैक करे। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक तरीका है। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज क्या है, आप अपने सर्कल में जितने भी आपके नोन है, रिलेटिव्स हैं जो आपकी बात मानते हैं, अपने सर्कल में लोगों को बोलो कि आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल अकाउंट का प्रोफाइल है, उसको अपने अपने वॉल पे क्या करें, शेयर करें, मतलब अपने स्टोरी में, अपने इंस्टाग्राम में, व्हाट्सअप में, अलग अलग जगह शेयर करें, वहां से भी फॉलोअर्स बढ़ने के चांस है। ठीक है, दूसरी चीज आपके सर्कल में कोई ऐसा है जिसके फॉलोअर बहुत ज्यादा है, आप उनसे बात कर सकते हो कि वो अपने वॉल पे शेयर करे, क्योंकि नोन है, रेफरेंस में किसी के थ्रू बात करोगे तो चांसेस है कि वो इजीली हो जाए। और लास्ट, आप बाटा डेलिंग कर सकते हो। बाटा डेलिंग मतलब आपके फील्ड से रिलेटेड, या आपको पता है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है सेम टारगेट ऑडियंस किसी और का भी हो सकता है, मतलब कोई और फील्ड या इंडस्ट्री का भी हो सकता है, तो आप ऐसे अकाउंट को सर्च करो जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटर आज की डेट में सुनता नहीं है, मतलब वो अपने आप को बड़ा समझता है, दोनों मिलके आगे बढ़ने के लिए बोलोगे तो चांसेस कम है कि वो बात समझे। तो उतने मेहनत करने से अच्छा ऐसा फील्ड देखो जिसका टारगेट ऑडियंस और आपका टारगेट ऑडियंस सेम है, उस टाइप के अकाउंट सर्च करो, उनसे उनको अप्रोच करो जिनका फॉलोअर बेस आपके फॉलोअर बेस जितना है या मैक्सिमम डबल है या 1/5 है, मतलब 1.5 गुना है, उससे ज्यादा नहीं। तो इससे क्या होगा, जब आप उनको बोल रहे हो कि काम करते हैं, आपको भी फॉलोअर्स बढ़ाने की जरूरत है, मुझे भी फॉलोअर्स बढ़ाने की जरूरत है, तो दोनों का टारगेट ऑडियंस भी सेम है तो बेनिफिट मिलेगा, तो एक काम करते हैं मेरा कंटेंट या मेरा प्रोफाइल आप अपने वॉल पे शेयर करो, सेम विद मैं आपका कंटेंट अपने वॉल पे शेयर करता हूँ, इससे दोनों की पब्लिसिटी होगी और दोनों के, क्योंकि टारगेट ऑडियंस सेम है तो फॉलोअर जितने भी है वो दोनों के कहीं ना कहीं कॉमन है, तो हो सकता है कि वो आपको, आपके पेज को फॉलो करे, अकाउंट को फॉलो करे और आपके वाले मेरे अकाउंट को फॉलो करे, तो कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा बहुत क्या होगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, और कोई और आपका शेयर करेगा और उसके वॉल पे जितने भी है उसमें से कुछ परसेंटेजेस सही, एटलीस्ट आपको शेयर तो करेंगे, नहीं भी करते तो भी आपकी ब्रांडिंग तो हो रही है, लोग आपका नाम अलग अलग लोग देख रहे हैं।
तो इस तरीके से अलग अलग लोगों को आप क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो दो दो तीन तीन दिन के गैप में और उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है जिसमें हमको सामने से होके जाना पड़ेगा और हमको मेहनत करनी पड़ेगी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। आप कभी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो इवेंट में आप कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसी चीज करो कि जो सबसे पहले आपके अकाउंट को फॉलो करेगा और कोई भी 5 पोस्ट में लाइक करेगा उसको XYZ इनाम या कोई प्राइज आप दोगे। कोई इवेंट में आप ऐसा कुछ करते हो तो वहां से फॉलोअर्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हो। और इसके अलावा जहां मौका मिलना है वहां तो करना ही है, इसके अलावा आपको यदि फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। जितना अच्छा कंटेंट डालोगे, आप किसी को सामने से नहीं भी बोलोगे ना, अच्छा कंटेंट और आपने सही हैशटैग डाल के इंस्टाग्राम पे डाला होगा या सोशल मीडिया पे डाला है और आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाएगा, 100% चांस है कि वहां से बहुत सारे लोग होंगे जो आपके अकाउंट को फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन कब, जब आपके कंटेंट में दम होगा। आप ऐसा कंटेंट डाल रहे हो जो बाकी के कंपटीटर भी डाल रहे हैं या कॉमन है तो फिर चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अच्छे कंटेंट डालो जो उनके काम का है तो आपके फॉलोअर्स बढ़ने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे। क्लियर है? तो यहां तक किसी को कोई डाउट? चलेगा। नो सर, तो अभी इंस्टाग्राम में एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या? ये तो बेसिक चीज है जो आप करोगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इंस्टाग्राम पे जो रील है या जो भी कंटेंट बनाओगे वो कैसा कंटेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि नॉट ओनली फॉर इंस्टाग्राम, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए जब कंटेंट प्लान करोगे, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो या एंगेजमेंट हो या कुछ भी हो, तो कैसे कंटेंट आप प्लान करोगे, तो उसके लिए कुछ आइडियाज है, मैं आपको बताता हूं। ना, ये आपके लिए आइडिया है ना, तो ये कभी कभी समझ नहीं आता इंफॉर्मेशनल पोस्ट के लिए क्या ऐसा डाले जो उस फील्ड के लिए हो सकता है जिसकी कल आप लोग सोच रहे थे। ज्वेलरी के लिए क्या ऐसा डाल सकते हैं या और भी चीजों के लिए, तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड मिथ जो है, हर फील्ड के लिए कुछ ना कुछ ऐसी गलतफहमी होती है जो लोग सुनते हैं या मार्केट में घूमते रहती है, लेकिन आप उस फील्ड में हो तो आपको पता है कि रियलिटी क्या है। तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड कोई भी मिथ है वो आप शेयर कर सकते हो। फनी थिंग्स आपके फील्ड से रिलेटेड कोई ऐसी चीजें हैं जो आप शेयर कर सकते हो तो वो आप डाल सकते हो, वो इन्फॉर्मेटिव में जा सकता है। माइंड ब्लोइंग फैक्ट, मतलब आपके फील्ड से रिलेटेड फैक्ट जिसके आपने डाल देगी। डू यू नो कि हर महीने सिर्फ पुणे सिटी से कितने सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके मतलब कोर्स कंप्लीट करके निकल रहे हैं। तो लोगों को हिट होकर इतने सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं, मतलब इस फील्ड में स्कोप है। ठीक है, तो वैसा कुछ आप डाल सकते हो। देन रिसेंट विन, आपके फील्ड में कुछ ऐसा जिसको कोई अचीवमेंट मिला हुआ है, आपका फील्ड में कुछ ग्रोथ हुआ है या उसकी डिमांड बढ़ी है, वैसा कुछ कर सकते हो। रिसेंट स्ट्रगल स्ट्रगल हो गया, स्टेप बाय स्टेप स्टेप हो गया, मतलब आपको सिखा रहे हो। जैसे कि कल कुकिंग का किसने बोला, केक वाला, जब मैंने आपको टास्क दिया था कि आप रेसिपी शेयर कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि आप पहले ये करो फिर वो करो। या सपोज मैंने सपोज कोई एक छोटा सा कंटेंट डाल दिया कि हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम फॉलोअर इन 1 वीक, ठीक है, या 10 फॉलोअर इन 1 वीक, तो अब मैंने स्टेप बाय स्टेप 4-5 एक्टिविटीज बोली, ये एक्टिविटी आप कंटिन्यू 1 सप्ताह तक करते हो तो कम से कम 10 फॉलोअर तो आपके मिनिमम इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक ट्यूटोरियल काइंड ऑफ हो गया, बट वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आप लोगों को बता रहे हो। सेम विद मिस्टेक, मिस्टेक मतलब आपके फील्ड में क्या ऐसी चीज है जो लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोग वो गलती करते हैं जिसके वजह से उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो चीज आप डाल सकते हो। सीक्रेट्स हो गया, तो इस टाइप से बहुत सारे क्या है, यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है इंस्टाग्राम में कोई भी कंटेंट कैसे क्रिएट करते हो उसके लिए। देन हुक आइडियाज, ये कुछ टाइटल है कि आप किस टाइप के चीजें बना सकते हो, कैसा बना सकते हो। ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन आप क्या रख सकते हो जिससे इंगेजमेंट आए, जिसके यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, डीएम मी फॉर द लिंक, कुछ ऐसी चीजें आपने डाल दी कि लोग आपके पोस्ट में कमेंट करें ताकि आपको लिंक मिले, मतलब फ्री आप टूल्स की लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हो या कुछ ऐसी चीजें जो लोगों के काम की है जो फ्री में आप दे रहे हो, बट कब, जब कोई डीएम करेगा तब। ठीक है, वो कर सकते हो। से दिस फॉर लेटर, ये सब क्या है, कॉल टू एक्शन बटन है। फॉलो फॉर मोर, आस्क मी एनीथिंग,
ये बहुत सारे लिस्ट है जो आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो कि क्या कंटेंट में क्या सुटेबल होगा और वो चीज आप अपने पोस्ट में डालोगे, जिससे लोगों को आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि आप मेरे पोस्ट में ये एक्टिविटी करो, जिससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वो चीजें आप इजीली कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? यहां तक किसी का कोई डाउट? साक्षी जी एंड मिताली जी, नहीं सर, ठीक है तो एक काम करते हैं, आज लोग भी कम है, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो हम एक और टॉपिक जो आपका बचा है ट्विटर, या अब उसका नाम चेंज हो गया है एक्स, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आती हो तो एक बार पूछ सकते हो। ठीक है, कल ट्विटर देखेंगे, ट्विटर ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो वो देखने के बाद अभी तक के ऑर्गेनिक में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसमें कहीं भी कोई डाउट होगा तो वो क्लियर करेंगे, ताकि पेड एड जो है वो फ्रेश डे से स्टार्ट हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि डिस्टर्ब ना हो, मतलब गैप ना आए, क्योंकि सैटरडे संडे आ जाएगा फिर आपकी क्लास नहीं रहेगी। तो मंडे से हम लिंक्डइन ऐड स्टार्ट करेंगे, जो आपका सोशल मीडिया में बचा हुआ है, उसके बाद गूगल ऐड स्टार्ट करेंगे, तो कल हम ट्विटर देखेंगे, ताकि जो भी चीज उस बची है वो क्लियर हो जाए, और अभी तक के जितना भी आपने सोशल मीडिया में पढ़ा है उसमें कहीं कोई डाउट होगा तो वो क्लियर करेंगे। ठीक है सर जी, बोलिए। मैंने जो आपसे डिस्कस किया था ना, वो B2B वेबसाइट का, तो उसमें हमने उनको हायर कर लिया है, बट अब क्या है कि हमें कंटेंट देना है, तो कंटेंट में टाइम लगेगा, तो इन द मीन टाइम कुछ ऐसा हो सकता, कुछ ऐसा करना होता है क्या कि जिसमें वो जब तक हम कंटेंट रेडी कर रहे हैं तो वो किसी और चीज़ पे वर्क कर लें। देखो दो चीजें, आपने सैलरी बेस पे हायर किया है या उनको प्रोजेक्ट दिया है कि मेरे को ये प्रोजेक्ट वेबसाइट कंप्लीट चाहिए। सर, यदि प्रोजेक्ट आपने प्रोजेक्ट दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनका काम है वेबसाइट डेवलप करके देना। हाँ, वो क्या कर सकते हैं, जब तक कंटेंट आप उनको नहीं दे रहे हो तब तक वो स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं पूरा। ठीक है, कि आपने जो भी डिजाइन या जो भी टेम्पलेट आपने फाइनल किया होगा कि मेरे को इस टाइप का लुक एंड फील चाहिए, तो वो पूरा उसको सेट करे, उसका मेन्यू सेट करे, मतलब बिना कंटेंट स्ट्रक्चर तो रेडी हो जाए, भले आपका अबाउट अस में आपकी कंपनी के बारे में डालना है वो कंटेंट बाद में चला जाएगा, लेकिन बाकी जो चीज है कि पहले ऊपर में अबाउट आपकी कंपनी के बारे में आएगा, फिर नीचे विजन मिशन आएगा, फिर सपोज क्लाइंट की टेस्टिमनी वो आ जाएगी, आपका कोई प्रमोशनल वीडियो है वो आ जाएगा, आपके टीम मेंबर है जो भी है, तो वो जो फ्लो होता है अलग अलग पेज का वो तो एटलीस्ट वो रेडी कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट के नाम से बैठे रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो आप जब कंटेंट दोगे तो उसके बाद भी वो 15-20 दिन एक्स्ट्रा खींचेंगे, तो और लेट होगा आपका कंटेंट, मतलब वेबसाइट को रेडी होने में। ठीक है, तो सर मतलब जब तक हम ये पेजेस वगैरह सेलेक्ट करके और थीम वगैरह डिसाइड कर लें, ठीक है। और हाँ सर जैसे मेरे लेवल पे अगर कंटेंट हो रहा है रेडी, तो मेरे लेवल पे अब जैसे हम फिर उसके बाद हमें B2C भी डेवलप करना है, ई कॉमर्स, तो अभी जैसे मैं आपसे क्लासेस भी ले रही हूँ, तो मैं अभी वेबसाइट के लिए क्या मतलब SEO टाइप शुरू कर दूँ, खुद रिसर्च करना आप दो वेबसाइट बना रहे हो कि एक ही वेबसाइट बना रहे हो? सर, अलग अलग दो, एक B2B एक B2C। ओके, B2B और B2C अलग अलग वेबसाइट बना रहे हो, हाँ तो डोमेन एक ही रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग रहेगा सर। ओके, दोनों अलग अलग नाम से चलेगा। हाँ ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला था, प्राइसिंग में क्या बात हुई है? सर, वो B2B का जो मैंने आपको शेयर किया था ना प्रपोजल, वो B2B का था, तो वो 30,000 में उन्होंने बोला। नहीं, तो जो भी उन्होंने प्राइस बताया था, मेरे को याद नहीं है कि मैंने किस बेस पे क्या प्राइस आपको बोला था। सर ठीक है, आपने मुझे बोला तो था 25 to 30K के बीच में ठीक B2B की वेबसाइट के लिए, तो फिर 30,000 पे उनसे बात होके उन्हें अग्री कर दिया था, तो अब B2B के लिए उन्हें हमसे नहीं, तो कंपनी 25 to 30 मैंने जो रेंज दिया था वो तब जब आपने जो स्ट्रक्चर बताया था वैसा, अब हाँ आपको क्या चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो सच में वहां तक जाएगा। सर, अब जैसे ठीक फोन है, पर डिस्कशन हुआ है तो उनने मतलब सब बात नहीं माना ही है, और जैसे जूम कॉल भी किया था हम लोगों ने,
एक्चुअली एक चीज याद रखना, मतलब हम लोग भी वो सर्विस देते हैं इसलिए हमको पता है, और हमको ये भी पता है कि आगे क्या प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी क्लाइंट के साथ कोई चीज फाइनल होती है, पहली चीज तो हम उसको जो कोटेशन भेजते हैं उसमें सारी चीजें डिटेल में लिखी रहती है कि ये पेज बनेगा, ये पेज बनेगा, इसमें ये रहेगा, ये कंटेंट आपको देना है, जो भी है सारी चीजें, ठीक है। और वो उसमें एग्री करके भेजते हैं, तब कंफर्म करते हैं कि हाँ एग्री है, ताकि फ्यूचर में बनाते बनाते सपोज एक आध पेज बढ़ गया, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आपने जिस टर्म्स पे बात की थी वो ये था और अभी ये है। सपोज आपने जूम मीटिंग में बात की और जो भी रेट में बात हुई है, जो भी है वो बात की बात है, बट काम करते वक्त थोड़ा सा भी यदि सामने वाला को लगता है कि काम ज्यादा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, भले पेज उतना ही है, काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हाँ अब सामने वाले को लगेगा काम ज्यादा है, वो कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज करके आपको यदि एक्स्ट्रा चार्ज के लिए बोलेगा, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने किस टर्म पे, किस प्राइस पे, क्या क्या चीजें की बात की है, आप कैसे उसको क्लेम करोगे। और आप यदि उसका एडवांस दे देते हो और काम चालू हो जाता है और बाद में वो इंक्रीज करने के लिए बोलता है, तो ना वो पेमेंट रिफंड करेगा ना आपका काम कंप्लीट होगा, तो कैसे करोगे फिर? क्योंकि ये चीज होती है, इसीलिए बेटर है कि पहले क्लियर हो जाओ कैसा है क्या है, प्राइस तो अपनी जगह किस प्राइस में बात हुई है, बट फ्यूचर में उतनी सारी चीजें जो आपको चाहिए वो जिस प्राइस में बात हुई है उसके बाद एक भी एक्स्ट्रा नहीं लेगा। प्लस दूसरी चीज, कौन सा डिजाइन आप, जो डिजाइन है वो डिजाइन आप उससे मंगाओ कि हाँ बनने के बाद लुक एंड फील कैसा होगा, तो वो अभी बताए, नहीं तो क्या होगा, सपोज आपने डिजाइन उसने जो भी बनाया आपको नहीं पसंद आई, तो अब उसने पूरी मेहनत करके बना दिया, अब आप बोलो मेरे को डिजाइन पसंद नहीं आ रही, क्या वो चेंज करेगा? और नहीं करेगा तो 30,000 रुपये डालने के बाद भी उसने जो बनाया वही चलाना पड़ेगा, हो सकता है उसका लुक एंड फील अच्छा ना हो, मतलब तो आप बोल फाइनल आउटपुट बनने के कैसा बाद देंगे? साइट नहीं अच्छा लगा। हाँ, अब सीधी सी बात है ना, आपका जो एक्सपेक्टेशन था, आपने जो वेबसाइट देखी होगी किसी की कि मेरे को ऐसा चाहिए, और हाँ उसने आपको अभी उसने बताया नहीं कि कैसा दिखेगा, क्योंकि तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अभी मैं पहले से कैसे बताऊं कैसा दिखेगा जब तक कंटेंट और इमेज जाएगा नहीं, एग्री करते हैं, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो लुक एंड फील समझ में आएगा कि ऐसा होगा यहाँ पे, चलो मेरा ये वे इमेज, मेरा जो इमेज होगा वो आएगा और कंटेंट आएगा, बट पूरा वेबसाइट का जो लुक एंड फील है वो तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि मेरे को जम रहा है कि नहीं जम रहा हाँ तो सर जैसे है, मैंने क्योंकि उनको डिजाइन तो वो नहीं करेगा, इतना तो मेरे को पता है क्योंकि हमारे भी फील्ड वही है, तो सर फिर डिजाइनिंग वही तो नहीं करेगा बिकॉज डिजाइनिंग का कॉस्ट ज्यादा सेव, होता है। मतलब जो है सेव टेम्पलेट्स वगैरह होता है ऊपर हाँ से शेयर करेंगे वो तो देखो मुझे लग रहा है। आज के